अचानक एक ग्रहण सा लग गया। मंथरा ने केकई को भड़काया, तो केकई ने राजा दशरथ से अपने पिछले दो वरदान मांग लिए। देहु एक बार भरत ही टीका, पहला वरदान क्या मांगा, देहु एक बार भरत ही टीका, और दूसरा वरदान मांगा है तापस वेश से उदासी। हाँ, तापस वेश से उदासी। इतना बड़ा संकट अयोध्या पे आया, सारी अवधपुरी अनाथ हो गई। भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास किए, केवट के पास गए, गंगा पार की है, मांगी नाग में तीर चलाना, सभी कुमार मरम मैं जाना। केवट ने गंगा पार कराई, सुमंत अवधपुरी लौटे। राजा दशरथ को जब समाचार मिला तो भगवान राम के वियोग में राम राम सही राम सही राम राम सही राम। भगवान राम का स्मरण कहते करते महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। भाई हो तो भरत जैसा हो, जो संपत्ति के लिए नहीं विपत्ति के लिए भगवान के सामने भीड़ ला रहे कि प्रभु आज अवध पर इतनी बड़ी विपत्ति है, ये संपूर्ण संपत्ति तो भगवान आपकी है, एक दूसरे की सुख के लिए लड़ रहे हैं। आज भाई भाई समाज में एक दूसरे की संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। भरत जैसा भाई होना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत ना हूं। संपूर्ण संपदा आपकी है भगवान। भरत जी को चरण पादुका लेकर राम जी नौका लेते हैं। अत्री के आश्रम जाते हैं, पंचवटी पहुंचते हैं। स्वर्ण के मृग के लिए माता सीता याचना करती है। रावण माँ सीता का हरण करके जाता है। भगवान राम का जीवन कैसा है, एक पत्नी व्रतधारी भगवान राम है। गृहस्थ व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए। अरे उनके पिताजी ने तीन विवाह किए थे, वो भी तीन विवाह कर सकते थे, लेकिन भगवान ने माँ सीता को दिखाई में ये वचन दिया कि सीता मैं सदैव एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। हमारे शास्त्र कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति एक पत्नी व्रत धारण करता है, गृहस्थ धर्म को निभाता है, उसकी गिनती ब्रह्मचारियों में ही मानी जाती है। महिलाओं के लिए ये कर्तव्य नहीं है कि वो पति व्रता बनी रहे, पतियों का भी ये दायित्व है कि उनको एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए।
सीता के वियोग में भिलक रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खर हे मृग मधुकर प्रेमी, तुम देखी सीता खग मगों से पूछते हैं, तुमने सीता जी को देखा? हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है, स्वर्ण का मृग तो राम जी मैया सीता को नहीं दे पाए, लेकिन एक स्वर्ण का साखा मृग जरूर सीता जी तक पहुंचा दिया। अतुलित बलराम स्वर्ण सैनावधि, हनुमान जी जैसे सोने के पर्वत जैसे। बंदर को क्या कहते हैं? साखा मृग। बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य सौंपा। बाली प्रश्न करता है, बाली क्या कहता है? तुलसीदास जी बताते हैं, मैं बेरी सुग्रीव ऐसा क्या कारण है कि आपने मुझे बाड़ा? तब भगवान राम कहते हैं, अरे बाली तूने अपराध किया है, पुत्री ये पांच जो माताएं होती हैं पुत्री के समान होती है, अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, और तूने उस छोटी भाई की पत्नी का हरण कर लिया, तूने राक्षसों जैसा कृत्य किया है, छोटे भाई की पत्नी भी बहन के समान है, पुत्री के समान है, तूने ये अपराध किया है, इसी अपराध का दंड तुझे मैंने दिया है। बाली का वध करके भगवान हनुमान जी को स्वर्ण मुद्रिका देकर लंका में भेजते हैं, तो भगवान हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, लंकनी को भूसा मार के लंका में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? जब भी आप लोग किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, तो इस पंक्ति को अवश्य याद करें, प्रवासी नगर की जय सर्वता, विभीषण जी लंका में कैसे रहते हैं? हनुमान जी को बताते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, पर जिम दशनन में है जीव बिचारी, कबहु नाथ मोहि जानी अनाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने सीता मैया का पता बताया, सीता मैया से भेंट करके हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, और उस रावण ने क्या किया? हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी। जब भी आप किसी संत की प्रतिष्ठा रूपी पूछ में आग लगाने का प्रयत्न करोगे, तो आपका नगर भी लंका की तरह अनाथों की तरह जलेगा।
अगर किसी संत की प्रतिष्ठा की पूछ में आपने आग लगाने का प्रयत्न किया, अरे रहा ना नागर वसन घृत तेला, ओ रहा ना नागर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ तीन कपे घेरा, ओ बाड़ी पूछ तीन कपे घेरा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को झुका दिया। रावण की जो अहंकार की मूंछ तनी हुई थी वो अपनी पूंछ के बल पर झुका दिया। चलो आप और हम भी हनुमान जी का स्मरण करते हैं। जय हो तुम्हारी ओ बजरंगबली, हमारी भी रक्षा करना, हम पर भी कृपा करना। जय हो तुम्हारी ओ जी बजरंग बली, लेके सब रूप आला गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके सब रूप आला गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में
बड़े रखवार रमा पति जैसे। जो भगवान की शरण में होता है उसका बाल भी माता नहीं होता है। हनुमान जी माता सीता से मिले, माता सीता ने प्रार्थना करी है भगवान राम को, मेरा एक निवेदन कहना, अगर एक महीने में भगवान नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मेरी तरफ से हे पवन पुत्र जाके प्रणाम करना, पर हनुमान जी राम जी से कहना दीन दयाल वीरद संभारी, हो दीन दयाल वीरद संभारी, करुणाद मम संकट भारी, करुणाद मम संकट भारी। भगवान ने समुद्र पर पुल बनाया, रावण आदि राक्षसों को मारा, माता सीता को लेकर सपरिकर भगवान अवध पधारे, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, पर भगवान राम राज्य की स्थापना करते हैं। उस राम राज्य की हम सभी कल्पना करते हैं, राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, सब लोग स्वस्थ थे, सब निरोगी थे, सबके घर में धनधान्य भरा हुआ था, सभी लोग शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन प्रगति को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे राम राज्य की कामना हम सब करते हैं। मैं व्यासपीठ से कामना करता हूँ कि आप सबके घर में, आपके परिवार में राम राज्य आए। जय हो बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। समय बहुत अल्प है, कृष्ण जन्म करना है, सभी ठाकुर जी चाहेंगे तो आपको राम कथा सुनाएंगे। राम कथा रामायण सतकोटि अपारा, भगवान राम के राज्य में सभी लोग स्वस्थ थे, निरोगी थे। हम भी भगवान राम को एक बार प्रणाम करते हैं, आप सब भी मेरे साथ। राम चंद्र कृपाल भजन जिनके आचरण होते हैं वो कौन होते हैं?
निकालकर दिल करी है आचरण भवानी। आपको आनंद आया कि नहीं है? मुझे तो आनंद नहीं है। अच्छा करो बनकर अति शीघ्र ब्रज में आऊंगा। सारे देवता अपने परिकर के साथ ब्रज भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र अवतार ग्रहण करने लगे। उधर कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित किया। कंस की छवि इतनी बुरी थी कि कोई जल्दी उसका भरोसा नहीं करता। उसने अभी अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े धूमधाम से देवकी का विवाह किया, खूब दहेज दिया। उसकी विदाई के समय रोने लगा, यहां तक कि सारथी को हटाकर खुद सारथी बन गया। बहन की विदाई का रथ स्वयं चलाने लगा। लोगों को लगा कि नहीं, थोड़ा सुधार है। कंस महाराज तो नारियल जैसे हैं, बाहर से कठोर हैं, अंदर से कोमल है। नारिकेल समावृष्ट, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता थोड़े समय तक ही छुपी रह सकती है। जब ये आडंबर कंस ने किया, विदा अपनी बहन को कर रहा था, तभी तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी खुशी खुशी विदा कर रहा है ना, उसी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। अस्यास्त्वाष्टमो गणवर हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख, इसी देवकी का आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना, तुरंत देवकी के बाल पकड़ लिए, रथ से नीचे धक्का मारा और अपनी तलवार खींच के मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हो? अरे बहन बिटिया जैसी होती है। कंस जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। इस बेचारी को मारकर क्यों अपने माथे कलंक लेता है? तुझे इस देवकी से डर है कि इसकी संतानों से डर है? मैं सत्यवादी वसुदेव तुमको वचन देता हूं, इस देवकी से जितने पुत्र होंगे आठों पुत्र मैं तुमको लाके सौंप दूंगा। वसुदेव जी परम सत्यवादी हैं, इस बात को कंस भी जानता। कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर जेल में बंद कर दिया।
विरोध करने के कारण अपने पिता उग्रसेन जी को भी बंद कर दिया जेल में और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अत्याचार जब और बढ़ गया, समय पाकर माता देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया, कीर्तिमान जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी वचन में बंधे हुए हैं, कंस के पास लेकर गए। नन्ना शिशु देखकर कंस को दया आ गई, बोले नहीं मारता। मामा जो होता है ना, उसमें दो माँ होती है, माँ और माँ। दो माओ का प्रेम जिसमें हो उसको मामा कहते हैं। ये जितने भी मामा हुए अपने भांजों के लिए भगवान से लड़ गए, इंसानों की तो बात क्या है। मामा हमारी जानते थे कि भगवान राम साक्षात परब्रह्म है, लेकिन रावण के लिए लड़ गए कि नहीं। अरे शकुनी जानता था कि भगवान कृष्ण जगदीश्वर हैं, लेकिन अपने भांजे दुर्योधन के लिए ठाकुर जी से लड़ गया। तो मामा तो डबल माँ होती है। दया आ गई। अपने यहाँ पे कहावत भी है, 100 ब्राह्मण और एक भांजा। एक भांजे में 100 ब्राह्मणों का पुण्य होता है। जैसे ही मारने का प्रोग्राम स्थगित किया, देवताओं को लगा कि अगर ये पाप नहीं बढ़ेगा तो गोविंद कैसे आएंगे। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने पहुंचते ही वहां से एक भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह उठा के कंस के हाथ में दिया, कमल का फूल। अब तो चारों तरफ वही वो दिखाई देता है। उसकी पंखुड़ियां गिनवाई, बोले गिनो कंस, इनमें 8वीं कौन सी है। और जो भी गिने घूम फिर के 8वीं वही आ जाए। और संत और मूर्ख दूसरों के कहने से बचते हैं। नारद जी ने जैसे पढ़ाया वैसे ही कंस ने किया, जेल में गया और देवकी का बालक लेकर जमीन पर दे मारा। इस तरह देवकी के 6 पुत्रों को क्रमशः कंस मारता। 7वें गर्भ में आए भगवान बलराम जी। बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो। भगवान ने योग माया से आदेश दिया, बड़े भैया हैं, इनको माँ देवकी के गर्भ से आकर्षित करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और आप नंद गांव में बाबा नंद के यहाँ गोकुल में कन्या का रूप धारण करके जन्म लो। योग माया, तुमको लोग भगवती अंबिका भवानी के नाम से पूजेंगे, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। विद्वान लोग जानते हैं नवरात्रि में हम जिस दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसके द्वादश स्कंद में एक पंक्ति आती है, श्लोक है स्कंद में, नंद गोप गहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नाशे श्यामी विंध्याचल निवासी। वो भगवती विंध्याचल में निवास करती है। ऐसा ही भगवती ने किया और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं नारायण पधारे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही ठाकुर जी गर्भ में आए संपूर्ण प्रकृति प्रसन्न हो गई, देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे हैं।
आइए हम आपकी भगवान की स्तुति करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, कंस के यही है, अल्लाह गुल्ला ना करो। अगर मामा के पहरेदारों ने सुन लिया तो गड़बड़ जाएगी। एकदम शांति बना के रखो। जैसे ही भगवान बाबा नंद के यहाँ पहुंचेंगे, नंद बाबा के स्वरूप हमारे हृदय में पधार चुके हैं, जैसे ही भगवान गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचेंगे, हम सभी नंदोत्सव मनाएंगे। भगवान का जन्म होते ही बेड़ियां खुल गई है, सारे पहरेदार मूर्छित हो गए। नंद बाबा ने भगवान को एक सूप में रखा है और चल दिए। जब तक माया में पड़े रहोगे तब तक बेड़ियां बंधी रहेगी, और जैसे ही भगवान को अपने सर पर रखोगे तो माया रूपी सारी बेड़ियां खुल जाएगी। सूप में नंद बाबा ने कन्हैया जी को रखा है और चल पड़े हैं गोकुल की ओर। नंद बाबा के गांव बसदेव जी चले, धीरे धीरे यमुना जी के किनारे पहुंचे। जैसे ही घनघोर काली रात है, यमुना जी में बारिश आरंभ हुई, बाढ़ आना शुरू हो गई, तेज फुहार, भादों की काली रात, अष्टमी की रात, कृष्ण पक्ष को बिजलियां काट रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। भगवान शेष नारायण गोविंद के ऊपर छत्र बने हुए हैं और
यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती नंद बाबा के कंठ तक पहुंच गई। कालिंदी भगवान की पत्नी है, भगवान की पटरानी है, भगवान के चरण छूना चाहती है। ठाकुर जी ने चरण नीचे किया और माँ यमुना शांत हो गई। वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे हैं, नंद भवन की ओर वसुदेव जी चले हैं। आइए हम आप सब भी वसुदेव जी के पावन दर्शन करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जी की पगड़ी रस्म के लिए सर्वेश अग्रवाल जी आ गए। सर्वेश अग्रवाल जी हुआ है, छोटे से गोपाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो कृपया सभी लोग खड़े होकर स्वागत कीजिए। सभी लोग भगवान का स्वागत करें। भगवान नंद भवन पहुंच चुके हैं। ध्वज गोविंद गोविंद गोपाल, ध्वज गोविंद गोविंद गोपाल, ध्वज गोविंद गोविंद गोपाल, ध्वज गोविंद गोविंद गोपाल, ध्वज गोविंद गोविंद गोपाल। Thank you.
नंद भवन में नंद के अंगना में बज रही आज बधाई सभी लोग। अरे नलह गो नलह गो नंद घर नावे बजी मैया को बधाई नंद घर नावे बजी मैया को बधाई नंद घर नावे बजी मैया को बधाई Oh,
Yeah.
पांच मिनट को बैठ जाएं। यह वाल्मीकि की पावन धरा भगवान लक्ष्मी सभी मातृशक्ति माताएं ध्यान दें, सभी बुजुर्ग ध्यान दें, कली सभी युवावंधु ध्यान दें। प्रसाद पर्याप्त है, सबको मिलेगा। अपनी